डायमंड्स से को होंगे हाथ लगाने से या ना, क्या रिलेशन है उसके भाई? उसको रेगुलर प्रोसेस में यूज़ करने से काफ़ी उसके ऊपर जो करते हैं जो बड़े लोग, पॉलिश मैं है, तो अरे थोड़ी शाइन है, थोड़ी शाइन वीक तो नहीं कह सकता, मगर उसके पर ऊपर मैं कोई ऑयल निवेश नहीं वैक्स करता या भाई सूफी मार्केट वैक्स में। है या स्वेट है, हाँ मॉइस्चर स्वेट है, है लगने से थोड़ी इसकी शाइन थोड़ी सी कभी डल लगती है। तो ये वीडियो के प्रोसेस में मैं आपको हाँ, बताऊंगा कि पर कैसे इंडिया उसको वाला क्लीन सेम किया जा आते सकता हैं। है और उसकी शाइन इम्प्रूव किया जा अरे हाँ करते हैं लोग। ना, ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अरे बोलते हैं और वो तो इस बार प्लाज्मा एक में लगा फ्लेमेबल हुआ है, है उसको और लिखा उसी काफ़ी। पेपर में। दिस चोपड़ा ना पैसा मैं जाता है जार इसको कब्जों हैज से माल तो मिला डायमंड्स हूँ। इनसाइड, इट हैज प्लीज सम अब काइंड मेरे ऑफ हेल्प में जरूर से करो, एसिड एंड यू आर गोइंग टू मुदा सी में हाउ योग्य देयर गोइंग समय टू कर यार क्लीन प्लीज। इट। To make the diamond look more bright, shiny, and clean. आप हफ्ते राखू हाथ चुको जो नेक्स्ट टाइम दिस शोर मेरे पास हूँ क्या, तुमने कहो जो नेक्स्ट टाइम ते आपने फिर पर कर सोया हूँ तुमने ये क्या है बोले उसके क्या अंदर, बॉटल के तुमने अंदर बोल नहीं 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 पानी? एक ये चीज हाँ आप हफ्ते राखू प्लीज। हाँ आप हाँ थोड़े पैसे तो पानी, रेट ये तुम्हें क्यों देना दैट इज भाई, वाटर इन दैट पैसा जार भी वेला करे जिस एंड इन बात दैट चले। स्मॉल जार, सॉरी वाटर इन दैट बॉटल एंड द आ स्मॉल तो जार मैं रिबन एक देर कदर इज चाहिए थी एसिड, बस, सो दे ये आर बस पुटिंग वाटर टू सोडा आ सोल मेक सोल द सोल सोल। आपने जे गरम तमे बीटा एक कोचे एक हूं ना बीटा निकली कोचे हाँ, बोलता तमे हूं तो तम ये मार बदो एसिड निकली मारी मारी निकली ने जाए। कही मने अच्छा आऊं से तमने सर बोले लोग तुमने हूं तुम पानी पैसा डाल निकल के गया वो उसका एसिड क्या जो समझी। गर्म टेम्परेचर उसको ठंडा कर देता है, उसको डाइल्यूट भी कर देता है। एसिड का आ गए बॉटल भाई किधर है? ना बाद में दिखा ना। सूरत से बोलो हाँ वो चिप्पियाँ से निकालना खाए को रात के अंदर बड़ी हाँ क्या रखो। हाँ हाँ चल से पानी नहीं तो इतने तो डाई एक ही ये जाए हजार ले वो वो मुकिल हो छे जाए। पावर वो छे तो नीड टू यूज कोई अ ना आप तो क्लीन हाँ तो कोई वाइट आता है मेरे क्लॉथ के एंड और पानी निकाल देना एक कपड़े पे। और एक साफ कपड़े पे उसको प्लेस करके ऐसे और अब ऐसे कपड़े से हल्के हाथों से आप थोड़े थोड़े डायमंड्स एक साथ लेके उसको साफ कर सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा जहाँ पे जो एक जेम क्लॉथ होता है उसमें और एक बार उसको साफ किया जाएगा, जहाँ पे इस प्रोसेस में उसमें का जो जो एसिड और पानी का जो पार्ट है वो निकल जाएगा और वहाँ पे उसको प्रॉपर शाइन मिलेगी। उसमें भी सेम प्रोसेस है, फिंगर से उंगली से हेलो हल्के हाथों से उसको पॉलिश करना है, बोलो साफ करना है। पानी वाले नथी वो नथी कहीं मेरी चाय से मालूम।